दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे जेब्रोनिक में 32 इंची क्राउड डिस्प्ले में आती थी, वैसे ही एंटर में भी है, वो लॉन्च हो चुकी है। तो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ कि एंटर और जेब्रोनिक में क्या कंपैरिजन है और क्या क्वालिटी हमें वो मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले या इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। तो चलिए देखते हैं और एंटर में क्या क्वालिटी हमें मिलने वाली है वो देखते हैं। ये आइटम देख के जेब्रोनिक की सेम जैसे कॉपी है वैसे की वैसे ही लग रही है। तो ये तो एक्चुअल में स्टैंड आ गया, यही जेब्रोनिक में आता है, सेम वही चीज़ है। HDMI और DP आती है इसमें और ये इसका पावर कोड हो गया। ये स्टैंड पीछे खींचने के बाद में लॉक हो जाता है। अब जहाँ जेब्रोनिक का लोगो आता था वहाँ पे एंटर का जो लोगो है वो इसमें आने लगा है। अब इसको हम लोग पूरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस टाइप की है वो डिस्प्ले है, आप देख लो। हल्का सा मैं आपको एंगल से दिखाऊं, ऐसे क्राउड दिखेगी आपको, ऐसे गोल डिस्प्ले है, देखना आप थोड़ा सा एंगल में देख पा रहे हो आप। तो ये हल्की सी क्राउड में है, ठीक है। जहाँ जेब्रोनिक आता है वहाँ पे एंटर प्रिंटेड है, बाकी सेम ही जो जेब्रोनिक में आती है वैसी की वैसी इस एंटर में भी है वो लॉन्च हुई है। और जो फुल इसका रिव्यू मैं दिखाने से बेटर है कि वो सेम ही चीज़ है। पोर्ट इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो एक बार आप पोर्ट देख लो, VGA पोर्ट है और एक है HDMI पोर्ट है। उसमें एक DPI पोर्ट भी आता था, जो बहुत ही बेटर DPI पोर्ट है वो मिलता है। तो ज़्यादा रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको फुल वीडियो देखना है वो जेब्रोनिक वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। बाकी प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट जेब्रोनिक से थोड़ी प्राइस है वो कम ही मिल रही है। अगर बाई करनी हो तो आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी आप ले सकते हो। मुझे आप अपना एड्रेस वगैरह वो डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट के अंदर डाल देना, मैं आपको बाइक कोरियर करवा दूंगा। ऑनलाइन भी आप उसको खरीद सकते हो। ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।